हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन्स। गाइस, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो और विंडोज़ 11 में आप विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट से परेशान हो, तो आप विंडोज़ 11 में जो ऑटोमेटिक अपडेट होती है विंडोज़, उसको परमानेंटली डिसेबल कर सकते हो, उसको टर्न ऑफ कर सकते हो। गाइस, जैसे हम इसको सेटिंग से जाके अपनी विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट को वहाँ से टर्न ऑफ कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से टर्न ऑन हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है गाइस, आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है अगर आप लिमिटेड डेटा यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा केस में गाइस, आप विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट को कैसे डिसेबल कर सकते हो, कैसे उसको टर्न ऑफ कर सकते हो परमानेंटली, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपके जो विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट है विंडोज़ 11 में, वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग्स है जो आपको अपने विंडोज 11 पर करनी होगी अपने विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली डिसेबल करने के लिए। तो नंबर वन सेटिंग जो है गाइस, वो रजिस्ट्री एडिटर से रिलेटेड है। सिंपली आपने सर्च बार में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर। तो यहाँ पर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने कंप्यूटर ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एचपी लोकल मशीन, ठीक है। आपने इसको एक्सपेंड करना है एचपी लोकल मशीन, और इसके बाद गाइस आपने सॉफ्टवेयर में जाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करेंगे, जस्ट आपने एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पॉलिसीज पे जाना है। यहाँ पर पॉलिसीज को एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद गाइस आपने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपने इसको एक्सपेंड करना है। सिंपली गाइस आपने विंडोज पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, सिंपली न्यू पर क्लिक करना है। की को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने इस की को रीनेम कर देना है। यहाँ पर आपने टाइप करना होगा विंडोज अपडेट, विंडोज का डब्ल्यू कैपिटल, विंडोज और अपडेट का यू कैपिटल। उसके बाद गाइस आपने विंडोज अपडेट जो आपने ये की को क्रिएट किया था, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू सेलेक्ट करना है। की सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपने एक की को क्रिएट कर लेना है और इसका नाम लिखेंगे ए यू, ठीक है, कैपिटल ए यू आपने टाइप करना है। इसके बाद गाइस आपने यहाँ पर राइट साइड ब्लैंक जो स्पेस पड़ी है, यहाँ पर आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू सेलेक्ट करेंगे और डिवर्ल्ड 32 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने यहाँ पर नेम दे देना है नो ऑटो अपडेट। जैसे गाइस आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आपने सेम एज इट इज इसको यहाँ पर नेम दे देना है। उसके बाद गाइस आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी ये जो वैल्यू है ये बेस्ट वैल्यू हेक्सा डेसिमल पर होनी चाहिए और वैल्यू डेटा में गाइस आपका ये जीरो है, सिंपली आपने इसको जीरो से वन कर देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको सेकंड जो सेटिंग करनी है वो है डिसेबल विंडोज अपडेट फ्रॉम सर्विसेज। तो सिंपली आपने क्या करना है, सर्च बार में जाना है और यहाँ पर सर्विसेज आपने टाइप करना है, सर्विसेज ऐप का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपने किसी एक को सेलेक्ट करना है और डब्ल्यू प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप डब्ल्यू वाली सीरीज में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा विंडोज अपडेट का। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर विंडोज टाइम के नीचे आपको विंडोज अपडेट दिखेगा, यहाँ पर आपने इस पर राइट क्लिक करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये स्टार्टअप टाइप में मैनुअल है, तो आप इसको डिसेबल यहाँ कर देंगे और सर्विस स्टेटस ये यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए। अगर आपके में ये स्टार्ट शो कर रहा है यहाँ पर रनिंग, तो गाइज आपने यहाँ पर इसको स्टार्टअप टाइप में डिसेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्विस स्टेटस में स्टॉप कर देंगे, ठीक। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो विंडोज अपडेट हमारी ये यहाँ से डिसेबल हो चुकी है। उसके बाद गाइज आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सेटिंग में भी आपको एक सेटिंग कर देनी है, विंडोज अपडेट में आएगा, यहाँ पर पॉज फॉर 1 वीक है तो आपने यहाँ पर पॉज फॉर 5 वीक कर देना है। तो आपकी जो विंडोज अपडेट है वो यहाँ पर 5 वीक के लिए पॉज हो जाएगी। आप जैसे तो यहाँ पर ये डेट भी चेंज हो चुकी है, आफ्टर 5 वीक यहाँ पर हमको ये डेट शो कर रहा है। तो देखा गाइस कितना सिंपल है, इस तरीके से हम विंडोज़ 11 में विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। अगर आपके मन में कोई डाउट इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।